हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेशमास टेस्टी फूड चैनल में। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 मिनट में बिना दही के बनने वाला व्रत का डोसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। जैसे कि गोकुलाष्टमी व्रत के दिन दूध दही और छाछ नहीं खाते, तो उस दिन बनाइए आप बिना दही का बनने वाला ये मसाला डोसा, प्लेन डोसा और व्रत की चटनी भी। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच इतने साबुदाना लिए हैं और 6 चम्मच इतने मैंने सामा चावल लिए हैं, जिसे कि महाराष्ट्र में वरई बोलते हैं। यानी कि आप जितना साबुदाना लोगे उससे दुगना आपको लेना है सामा चावल, और उसे लो गैस की फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। करीब इसे 3 से 4 मिनट भूनने के बाद देखें चावल का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसे ठंडा करके पीस लेंगे। अब इसकी पाउडर तैयार है, जिसे हम 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब जितनी हमने यहाँ पर पाउडर ली है उससे 1.5 गुना पानी लेना है, यानी कि 1 कप अगर आप पाउडर लेते हो तो आपको 1.5 कप इतना पानी डालना है। बहुत ही झटपट और आसानी से बन जाता है डोसा। अब इसे मिक्स करके हम रख देंगे और तब तक आप बनाइएगा चटनी या फिर आलू की सब्ज़ी। अब इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है, तब तक हम बनाते हैं आलू की सब्ज़ी। पैन में मैंने तेल लिया है और हरी मिर्च की पेस्ट डाल दी है। हरी मिर्च की पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक। अब यहाँ पर मैंने सेंधो नमक डाला है, और नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर डालेंगे हम आप पके हुए आलू। अब सिर्फ हरी मिर्च, नमक और आलू डाल के भी सब्ज़ी बना सकते हो, या फिर आप इस तरह का अनारदाना पाउडर डाल सकते हो, या फिर आमचूर पाउडर जो रेगुलर मिल जाती है हमें वो भी डाल सकते हो का। इसे डालने से टेस्ट में थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब तब तक यहाँ पर हमारी पाउडर भीग चुकी है। अब अगर आपको सॉफ्ट और मोटा मोटा चाहिए तो आप इस बैटर को ऐसे ही रखें। 1/2 कप इतने पाउडर के लिए मैंने 1/4 TSP इतना इनो डाल दिया है। अब इनो को मिक्स करने के बाद इसमें भी हम डालेंगे सेंधो नमक टेस्ट के अनुसार। तो नमक को अच्छे से मिक्स करते हैं और पैन को लगाते हैं तेल। तो तेल को हम स्प्रेड करेंगे। डोसा डालने से पहले हम गैस को हाई गैस की फ्लेम पर ही पैन को गर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पैन गर्म है, अब गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और इस तरह से हम डोसा डालते हैं। ये पहला वाला हम छोटा और थोड़ा सा मोटा बना रही है, यानी कि जिसका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसे स्प्रेड कर दिया है। अब करीब 5 से 6 मिनट के बाद ये पक जाएगा और आपको गैस लो फ्लेम पर ही रखना है। तो देखिए आसानी से निकल जाता है, चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे ऐसे ही चटनी के साथ खा सकते हो या फिर आलू की सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हो। अब बनाते हैं हम मसाला डोसा, और उसके लिए हम बैटर को करेंगे पतला। तो इतना पतला हमने यहाँ पर बैटर कर दिया है, जैसे हम रेगुलर चावल का डोसा बनाते हैं इंस्टेंट वाला चावल के आटे का, उसी तरह यहाँ पर हमें बनाना है। अब इसे भी 5 से 6 मिनट के बाद हमें लो गैस की फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। ऊपर से तेल लगाने के बाद फिर से पकना है। पकने के बाद ही इसे हम पलटेंगे, इस तरफ से पका हुआ नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद देखिए ये अच्छे से पक चुका है और हमारा डोसा अच्छे से फ्लिप हो गया है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक इस तरफ से भूनने के बाद फिर से हम इसे पलट देंगे। ना चावल को पूरी रात भिगोया था, ना ही इसमें दही डाला था, फिर भी ये 5 मिनट में भीग कर देखिए कितना ये जालीदार लग रहा है। अब आलू की सब्ज़ी को हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे 1/2 डोसा पर। अब यहाँ पर हमारा मसाला डोसा भी तैयार है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम बनाते हैं व्रत के लिए खाने वाली चटनी। तो यहाँ पर मैंने लिया है सूखा नारियल, आप फ्रेश भी ले सकते हो। जितना नारियल ली है उतनी ही भुनी हुई मूँगफलियाँ और 2 हरी मिर्च, तीखा आप अपने स्वादानुसार ले सकते हो। इसकी पेस्ट बनाने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और फिर से इसकी पेस्ट बनाएंगे। स्वादानुसार सेंधव नमक इसमें मिक्स करेंगे, जितना आपको पतला चाहिए उतना पानी डाल के। यहाँ पर हमारी मूंगफली की चटनी भी तैयार है। तो गुड़ और मूंगफली के लड्डू, मसाला डोसा, प्लेन डोसा, चटनी और चिप्स के साथ ये हमारी व्रत की थाली तैयार है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपीज के साथ।